हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग फिर से कुछ बात करेंगे इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर्स की, जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो करंट अफेयर्स हैं, हम लोगों ने न्यूज़पेपर से लिए हैं। जैसे कि आप पहला न्यूज़ देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं इनलार्ज कर देता हूँ। ये है, व्हाट इज एस डब्ल्यू एम सेस एंड वाई इज इट लेविड ऑन वेस्ट जनरेटर। ठीक है, एस डब्ल्यू एम जो है यहाँ पर, जो थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रही है, तो जो ये एस डब्ल्यू एम है, ये आपका क्या बताया गया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखो बच्चों, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, वो लगभग लगभग जितने भी आपके मेट्रो सिटीज हैं हमारे भारत में, वहाँ ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम बन चुकी है कि हाउ टू टैकल और हाउ टू डिस्पोज दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि हर शहर से, हर सिटी से रोज डेली जो है, बहुत सारा आपका क्या निकलता है, सॉलिड वेस्ट निकलता है। उसका आपको प्रॉपर जो है, एक क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है कि वो दोबारा नेचर में या दोबारा कहीं उसका हम लोग काम कर सके, यूज कर सके। और वो कम से कम जो ये है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, वो किसका मेन तौर पे, जो आपकी रिवर्स है उसको कम से कम पल्यूट करे, जो आपकी सॉइल है उसको कम से कम पल्यूट करे, जो आपका क्या है इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट में खास तौर में जो एटमोसफियर है उसको कम से कम क्या पल्यूट करे, और खास तौर पे जो आपका क्या है ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर उसको कम से कम पल्यूट करें। तो ये कहानी है आपके बैंगलोरों की, जो बेंगलुरु महापालिका है आपका, महानगर पालिका है, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। उसने अभी एस डब्ल्यू एम को डिस्पोज करने के लिए एक्स्ट्रा सेस जो है वो लगाने की बात या प्रपोज रखा है, जिसमें हर घर से 100 रुपीज पर मंथ जो है वो हर घर को देना पड़ेगा टू डिस्पोज। और वो मनी जो होगी वो कहाँ यूज होगी, कि प्रॉपर एक जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका क्या सके कर सके, प्रॉपर तरीके से जो वेस्ट है, जो मैनेजमेंट है वो कर सके। ठीक है, तो यहाँ तक कि एक तो की एक खबर हो गई। अब क्या हो रहा है कि इसका अपोज बहुत ज़्यादा हो रहा है जो वहाँ का चेयर है, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये ट्रेंड वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो जितनी भी भारत में, हमारे इंडिया में जो मेट्रो सिटीज़ है और उसमें जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, हो सकता है कि सभी जगह ये आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सेल्स जो है लगाना शुरू कर दे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे ये अगर आप देखें, थोड़ा सा इसको मैं और इनलार्ज कर देता हूँ कि पढ़ने में आसानी हो आप लोग को। यहाँ पर जो बात बोली गई है कि सॉलिड वेस्ट जनरेटर इन इंडिया सिटीज कंसिस्ट अबाउट 50 to 60% वेट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सॉलिड आपका वेस्ट है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं उसको यहाँ पर बताया गया है। इस डेटा का यूज जो है वो आप एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए या अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि जो भी सॉलिड वेस्ट हर शहर से निकलता है उसमें अप्रोक्स 60% जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, यानी कि आसानी से दोबारा उसका डिकम्पोजन हो जाए बाय द बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द पोर्शन ऑफ रिसाइकल मटेरियल इन द ड्राई वेस्ट इज मिनिमल, ठीक है, ऑनली अबाउट 1 to 2% विद द रेस्ट बींग मोस्टली नॉन रिसाइकल। तो अच्छी बात यह है कि सिर्फ 1 से 2% ही आपका क्या होता है ऐसा मटेरियल सॉलिड वेस्ट में होता है जिसको आप दोबारा रिसाइकिल नहीं कर सकते, और इसी को आपको क्या करना होता है, एक प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ठीक है, एक चीज ये बात बोली गई है। अब यहाँ से अगर हम देखें कि किसके बारे में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो है आपका अबाउट द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ से देखो ये किसका पार्ट आ गया आपका, इसका मैंने इसको लिंकअप कर दिया किसके साथ, आपके पॉलिटी के साथ लिंकअप कर दिया, और वो किसके साथ लिंकअप किया, म्यूनसिपैलिटीज के साथ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता उसको लिख लो, 74th अमेंडमेंट के थ्रू आपका हमने क्या पार्ट 9A जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया, जिससे आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक जो है म्यूनसिपैलिटीज को अलग अलग पावर्स दे रखी है। और इसी अमेंडमेंट के थ्रू और हमने क्या जोड़ा, 12th शेड्यूल जो है वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा, और 18 सब्जेक्ट्स हमने जोड़े। ठीक है, तो बच्चों ये सारा डेटा आपके एग्जाम में आ सकता है कि 74th अमेंडमेंट से क्या क्या एड ऑन हुआ। तो पहली चीज पार्ट 9A एड ऑन हुआ, दूसरी चीज आपकी आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG जो है वो एड ऑन हुआ, और तीसरी चीज आपकी क्या एड ऑन हुई, 12th शेड्यूल आपका एड ऑन हुआ, और फोर्थ चीज 18 आपके सब्जेक्ट्स एड ऑन हुए जिसमें म्यूनसिपालिटी क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन एक्ट प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, 3 तरीके की म्यूनसिपैलिटीज बताई गई है हमारे यहाँ। पहली आपकी होती है नगर पंचायत, ठीक है, ये वो एरिया होता है जो शहर की तरफ ट्रांजिशन मोड में होता है, यानी कि आधा गांव आधा शहर। ठीक
ठीक है, फिर आपके म्यूनसिपल काउंसिल होते हैं जो कि छोटे शहर आपके होते हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं होती है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, देहरादून, लखनऊ, हैदराबाद, ये सब क्या हो गए, बड़े आपके शहर होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये पॉलिटी का पार्ट भी यहाँ पे कवर अप कर लिया। ठीक है, तो आपसे ऐसे एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ये खबर आपने थोड़ी सी पुरानी है क्या, कि 40 इंडियंस अमंग 49 वर्कर किल्ड इन कुवैत इन्फर्नो। ठीक है, वहां आग लगी थी। अब हम जानते हैं कि कुवैत में काफी इंडियंस जो है एज अ वर्कर के तौर पे, जो अलग अलग टाइप के आपके वर्किंग ITI पास करके या वैसे ड्राइवर के तौर पे बहुत सारे छोटे जॉब्स होते हैं, वहाँ काम करने जाते हैं, तो उनकी आग लगने से क्या होगी, वहाँ पे डेथ होगी। अब यहाँ से हमें कुवैत के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कुवैत किन किन कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। तो अगर यहाँ देखें तो सऊदी अरेबिया हो गया, इधर देखें तो इराक हो गया, इधर देखें तो ईरान हो गया, और फोर्थ पे आपका क्या है, पर्शियन गल्फ है। ठीक है, इस चीज को लेकर बस आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पुटअप आपके सामने हो सकते हैं। उसके बाद फूड इन्फ्लेशन स्पाइक इन अर्बन एरिया नियरली 9%, 9% जो है वो फूड इन्फ्लेशन हमारे यहाँ हुआ है। अब यहाँ से फूड प्राइस इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई फूड प्राइस इंडेक्स क्या होता है। इट इज अ मेजर ऑफ मंथली चेंजेस इन इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एवरेज 5 कमोडिटीज ग्रुप प्राइस वेट बाय एवरेज एक्सपोर्ट शेयर्स। ठीक है, उस तरीके से करते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1996 एज अ पब्लिक गुड टू हेल्प द मॉनिटरिंग डेवलपमेंट इन ग्लोबल एग्रीकल्चर कम्योडिटीज। फिर उसके बाद एनी प्राइस इंडेक्स कैन बी प्रिंसिपल बी कैलकुलेट यूजिंग द प्रोड्यूसर कंज्यूमर और होलसेल प्राइस विच इज सर्विंग एज अ डिफरेंट पर्पस। ठीक है, तो ये आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, इसमें WPI के बारे में, CPI के बारे में मैंने बताया है। अगला आपका न्यूज रहा NTA को लेकर, जो अभी प्रोसेस चली रही है कि ये शायद एग्जाम दोबारा हो। यहाँ से NTA के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, इट इज एन ऑटोनोमस एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, पहली चीज, इट वॉज स्टैब्लिश कब हुई थी, 2017 में आपकी हुई थी, नवंबर 2 को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सॉरी नवंबर 2 नहीं है, नवंबर 2017 में हुई थी, टू कंडक्ट द एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट। तो अभी हाल की हुई है, और NTA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग न्यूमरस नेशनल लेवल एग्जाम फॉर एडमिशन एंड फेलोशिप। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD के एजेंसी में आपकी आती है। इसमें क्या होते हैं, आपके डायरेक्टर जनरल होते हैं एजेंसी के, जो सारे के सारे वो करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड या टेस्ट से रिलेटेड आपके क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करें, एग्जाम में आपके आ सकते हैं।